जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है आपका टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग। टेक्निक ऑफ काउंसलिंग ये पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि किसी साल आपसे डायरेक्टिव काउंसलिंग, किसी साल नॉन डायरेक्टिव, किसी साल एक्लेक्टिव पूछा है। इसके साथ ही डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव में डिफरेंस पूछा है। तो कंप्लीट सेशन में आप इन पूरे के पूरे टॉपिक्स को समझ लेंगे। वीडियो के लास्ट होने तक आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपने ये जो आपका निर्देशात्मक, चाहे आपका परामर्श हो, अनिर्देशात्मक हो या समाहारक हो, तीनों की समझ आपके अंदर जो है विकसित हो जाएगी। इसके साथ डिफरेंस को भी हम कवर करने वाले हैं, जो पेपर में आपका रिपीटेड टाइम पूछा गया है। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चूंकि सब एक दूसरे से थोड़े बहुत इनमें डिफरेंस है, तो आपको थोड़ा कंसंट्रेट होकर के सुनने की भी ज़रूरत है इसमें। और इसके साथ ही सेशन आपका बाइलिंगुअल रहेगा और कंटेंट भी मैंने इसमें बाइलिंगुअल यूज़ किया है। मेरे हिस्से तक, जहाँ तक पॉसिबल है, मैं अपने तक कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग थे जब मैं हिंदी में लिख रही थी कि मैम इंग्लिश में थोड़ा सा दीजिए, इंग्लिश में हुआ तो हिंदी वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कत होने लगी। तो यहाँ पर ये जो आपका कंटेंट है, इसको आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा और हिंदी में भी देखने को मिलेगा, दोनों लैंग्वेजेस में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल पर जो है वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए और इसके साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से बहुत फ़ायदा होता है कि आने वाले भी जो लर्नर्स होते हैं उन तक ये वीडियो की रीच हो पाती है, क्योंकि यूट्यूब को ये चीज़ नहीं पता होता है कि कौन कैसा पढ़ा रहा है। तो अगर आप लोग इसमें हेल्प करते हैं कि जो अच्छा पढ़ाते हैं, जिनका आपको समझ में आता है, अगर आप लाइक करके आगे प्रमोट करते हैं, तो यूट्यूब उस चीज़ को क्या करते हैं, आगे भी जो है भेजते हैं। तो आप इतनी मेरी मदद कर सकते हैं कि ताकि अधिक से अधिक जो बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है ऐसे कंटेंट की, जो है अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, जिनको गाइड नहीं अच्छे से हो पाता है, तो उन तक ये वीडियो जो है रीच करे। तो चलिए अब हम बात करेंगे डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है, नॉन डायरेक्टिव और एक्लेक्टिव काउंसलिंग। तो सबसे पहले काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग का बेसिक क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप बोलिएगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो 10 मिनट की बना दूंगी जिसमें काउंसलिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके इंपॉर्टेंस, उसकी नीड, हालांकि इन क्वेश्चंस को, उसका स्कोप, इन क्वेश्चन को हमने शॉर्ट में कवर करा है, जो शॉर्ट की आपकी मैराथन है। बट अगर आपको एक साथ एक जगह जैसे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए तो आप उसको कॉमेंट करके बता देंगे। अब देखिए, जब हम बात करते हैं डायरेक्टिव काउंसलिंग की तो इसको हिंदी में कहते हैं निर्देशात्मक परामर्श, नॉन डायरेक्टिव तो इसको अनिर्देशात्मक कहते हैं, और एक्लेक्टिव जिसको समाहारक या मिश्रित, कई नाम इसके हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखे हुए, जैसे विलियमसन, तो जो अब विलियमसन है ये वो उसके प्रवर्तक का नाम है या फिर जिसने इसको डेवलप किया है। डायरेक्टिव काउंसलिंग विलियमसन, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग कार्ल रोजर द्वारा दिया गया है, और आपका एक्लेक्टिव काउंसलिंग बॉर्डिन द्वारा दिया गया है। बॉर्डिन और एक और आपके यहाँ पर शिक्षाविद हैं, उनके द्वारा दिया गया है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्टिव काउंसलिंग की, डायरेक्टिव काउंसलिंग या फिर निर्देशात्मक परामर्श होता क्या है। बिल्कुल टू द पॉइंट आप इसको समझेंगे। सबसे पहला, जैसे ही डायरेक्टिव नाम आए आपको याद रखना है कि ये काउंसलर सेंटर्ड होती है। काउंसलर कौन होते हैं, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया में दो तीन लोग आपके मेनली होते हैं, मतलब अगर उसके हम प्रोसेस की बात करते हैं, कंपोनेंट की बात करते हैं, नहीं तो अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया देखें तो आप उसमें दो कोई समझेंगे, एक काउंसलर और एक काउंसली, एक परामर्शदाता और एक परामर्श प्राप्तकर्ता। काउंसलर कौन होता है, जो व्यक्ति योग्य, अनुभवी, प्रशिक्षित होता है, जो आपकी समस्याओं का समाधान करता है, और काउंसली कौन होता है, जिसके पास समस्या होती है। ये बेसिक सी चीज़ है। तो जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है, जो इसका टेक्निक है या टाइप कह लीजिए, ये कहता है कि जो काउंसलिंग की प्रोसेस है, जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है, वो काउंसलर सेंटर्ड होगी, मतलब परामर्शदाता के इर्द गिर्द घूमेगी। उसका अधिकतर बागडोर किसके हाथ में होगी, परामर्शदाता के हाथ में। तो जब एक्टिव सबसे ज़्यादा कौन हुआ, परामर्शदाता, तो परामर्श प्राप्तकर्ता का स्थान क्या होगा, गौण हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, और इसमें समस्या पर अधिक ध्यान रहता है और व्यक्ति पर नहीं। मतलब कि जो आपका काउंसलर है उसको इससे मतलब नहीं है कि सामने व्यक्ति कैसा है, उसकी स्थिति संवेगिक कैसी है, सामाजिक कैसी है, वो जिस समस्या को लेकर के आता है काउंसलर अपने अकॉर्डिंग उसको सल्यूशन देने की कोशिश करता है। तो सिंपल सी बात है कि काउंसलर तब इसमें क्या हुआ, अधिक सक्रिय हुआ, और काउंसली क्या है, आपका निष्क्रिय हुआ। जब वो निष्क्रिय होगा तो वो अपनी भावनाओं को यहाँ पर अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। क्लियर है।
विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो विशेषता वही जो आपको अभी आपने समझा है, विशेषताएं क्या होती हैं जो आपने समझा, जो आपके डेफिनेशंस भी उसी से बनते हैं, नेचर भी उसी से बनता है, इम्पोर्टेंस भी उसी से बनती है। तो केंद्र में कौन है? परामर्शदाता, क्योंकि ये आपका काउंसलर सेंटर टेक्निक है। कौन सा? डायरेक्टिव। समस्या पर अधिक ध्यान केंद्रित होता है, व्यक्ति पर नहीं। और जब आप डिफरेंस भी करेंगे तो भी ये चीज़ें आपको काम आएंगी। परामर्शदाता जो है इसमें सक्रिय भूमिका में होता है। क्यों? क्योंकि वही तो सारा संचालन कर रहा है और परामर्श प्राप्तकर्ता का स्थान गौण होता है। इसमें परामर्शदाता स्वयं सेवार्थी की समस्या विचार विमर्श द्वारा ज्ञात करता है। मतलब अब काउंसलर ही सब कुछ कर रहा है तो क्या काउंसलिंग क्या कर रहा है? काउंसलर सिर्फ डिपेंडेंट रहता है किसके ऊपर? काउंसलर के ऊपर। काउंसलर अपने से उनकी सारी बातों का पता लगाता है और उनकी समस्या का हल भी दे देता है। इस परामर्श में काउंसलर की योग्यता, विवेक, तर्क, समाधान, समस्या समाधान की क्षमता सर्वोपरि होती है। हम इतना क्यों कह रहे हैं काउंसलर के बारे में? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आपका परामर्शदाता है, अगर उसके पास ये क्षमताएं नहीं होंगी तो क्या वो समस्या का समाधान कर पाने में सक्षम होगा? नहीं होगा। तो जब वो नहीं होगा तो क्या ये मेथड इफेक्टिव तरीके से काम कर पाएगा? नहीं। तो इसकी एक विशेषता है, या यूँ कह लीजिए इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है कि यहाँ जो काउंसलर होना चाहिए उसके पास खुद का अनुभव, जो एक काउंसलर की विशेषता होती है, वो इसके अंदर अच्छे से होनी चाहिए। काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग या जो आपका परामर्श प्राप्त करता है उसके विचारों भावनाओं को किसी चीज़ को महत्व नहीं दिया जाता है। सीधी सी बात है, व्यक्ति को महत्व नहीं देना है, समस्या को महत्व देना है डायरेक्टिव काउंसलिंग में। क्लियर हुई इतनी बात? अब ये देख लीजिए, अभी आपका इंग्लिश का कंटेंट है। डायरेक्टिव काउंसलिंग प्रपोज्ड बाय ईजी विलियमसन। किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया है? ईजी विलियमसन। स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था। इसके अलावा ये काउंसलर प्ले एन एक्टिव रोल। इसमें जो काउंसलर होता है वो एक एक्टिव रोल प्ले करता है। काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग ये कहलाती है। इसके कई नाम हैं, जैसे काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग, प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग। प्रिस्क्रिप्टिव क्या होता है? जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ना कि आप इस दवा को ले लीजिए, तो मतलब एक तरीके से आपको ये सुझाव खुद ही दे देता है, आपको अपना दिमाग उमाग कुछ नहीं लगाना। या डायरेक्टिव काउंसलिंग, तो तीन इसके नाम हैं। डायरेक्टिव काउंसलिंग के तीन नाम हैं, एक काउंसलर सेंटर्ड, एक प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग और एक डायरेक्टिव काउंसलिंग। काउंसलिंग की क्या भूमिका रहती है? पैसिव रहेगा, भावनाएं अभिव्यक्त करने की अनुमति नहीं रहेगी। यहाँ एक बात आपको ध्यान देना है कि जब आप काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे हैं टेक्निक के, चाहे आप डायरेक्टिव कर रहे हो, नॉन डायरेक्टिव कर रहे हो, इलेक्टिव कर रहे हो, इन केस अगर आपको कंटेंट नहीं याद आता है कि नहीं हमें क्या लिखना चाहिए, तो सिंपल सा है कि आप दो लोगों को पकड़िए जो इसके कंपोनेंट में आते हैं, एक काउंसलर को एक काउंसलिंग को, दोनों के स्थानों का विवेचना कीजिए कि काउंसलर का ये स्थान होता है इस कारण से ऐसा ऐसा है, और काउंसलिंग जो है गॉड होता है, सेकेंडरी होता है, इस कारण से ऐसा है, इसको देने वाले का नाम लिख दीजिए। ठीक, इंट्रो वाले पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने देखा हिंदी में, अब ये देख लीजिए वही एज इट इज़ लिखा है। काउंसलर सेंटर्ड और मेन रोल है। काउंसलर जो है इंटरव्यू पे फोकस करता है, जो समस्या है, ठीक है, समस्या और उसके समाधान बताता है। काउंसलर जो है डायरेक्ट द थिंकिंग ऑफ द काउंसलिंग बाय इन्फॉर्मिंग, एक्सप्लेनिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एडवाइजिंग हिम। मतलब कि काउंसलिंग का रोल बहुत ही कम होता है डायरेक्टिव में। सब कुछ काउंसलर करेगा, उसको इन्फॉर्म करना, एक्सप्लेन करना, इंटरप्रेट करना, एडवाइस करना, सब काम ये खुद ही कर देगा। काउंसलर को अपनी भावना, अभिव्यक्ति, इमोशंस दिखाने का अलाउ नहीं होता है। हेयर एट द प्राइमरी मेन सेंटर में कौन होगा? काउंसलर होगा, और काउंसलिंग का रोल यहाँ पर द्वितीयक या फिर गॉड होगा। ठीक, अब अगर हम बात करें तो निर्देशनात्मक परामर्श की प्रक्रिया के क्या चरण हैं, इसके चरण क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं? तो स्टेप्स इसके कितने हैं? आपके पांच स्टेप्स हैं। एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, काउंसलिंग और इवैल्यूएशन या फॉलोअप। इजी स्टेप में डायग्नोसिस, इसके मतलब आपके डायरेक्टिव काउंसलिंग के कहें तो यहाँ पर आपका क्या है, सबसे पहले एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के बारे में विश्लेषण करना, उसके एक एक चीज़ों को खोल करके देखना कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा उसकी कोई समस्या होगी, तो सबसे पहले उस समस्या का जो काउंसलर है, क्योंकि ये काउंसलर सेंटर टेक्निक है, तो काउंसलर अपने अकॉर्डिंग काम करेगा और प्रॉब्लम सेंटर्ड होकर के, तो जो भी उसकी समस्या है, मान लीजिए प्रॉब्लम उसकी जो भी है, उसके हर एक एक पहलू को देखेगा कि अच्छा यहाँ से इसका इकोनॉमिक स्टेटस ऐसा है, इस कारण से हो सकता है, पारिवारिक माहौल ऐसा है, शैक्षिक ऐसा है, और बाहर की संगति ऐसी, अनेक तमाम कारणों का विश्लेषण करेगा। दूसरे स्टेप में वो संश्लेषण करेगा। संश्लेषण का सीधा सा अर्थ होता है
कि जो आपने अलग अलग चीज़ें विश्लेषित की अब उसको एक रूप में समराइज़ करेंगे और एक निष्कर्ष देने का काम करेंगे। फिर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में सिंपल क्या होता है आपका, निदान करना, मतलब कि उसका जो है फाइंड करना, वो जो गैपिंग है कि वहाँ कहाँ से समस्या आ रही है, आपने एनालिसिस किया, उसका कंक्लूजन निकाला, फिर उस कंक्लूजन को आपको देखने के बाद पता लगेगा कि अच्छा इनके घर का माहौल सही नहीं है इसलिए इनको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, एग्जांपल के तौर पे। तो ये डायग्नोसिस किया, जब ये पता लग गया कि भाई गैपिंग कहाँ पर है, डायग्नोसिस में क्या पता लगता है आपको गैपिंग के बारे में, जब ये पता लग गया कि यहाँ गैपिंग है तो हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, इसकी काउंसलिंग करते हैं और इसके बाद लास्ट में इवैल्यूएशन या फिर फॉलोअप। ठीक, फॉलोअप का मतलब है कि आगे जब होगा तो दोबारा से अगर ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी तो उसको इस प्रकार से जो है सॉल्व करना है या फिर उसका मूल्यांकन कर देना। ठीक है, तो 5 स्टेप आपको याद होने चाहिए, विश्लेषण, संश्लेषण, निदानात्मक, उपचार या फिर आपका अनुगमन। ठीक है, एजम्पशन की बात करें, मूलभूत अवधारणाएं क्या हैं आपके काउंसलिंग की, तो यह परामर्श एक बौद्धिक प्रक्रिया है, मीन्स काउंसलिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। हर किसी के बस की बात नहीं होती कि हर कोई काउंसलिंग कर ले। परामर्शदाता योग्य एवं सक्षम होता है, तो योग्य और सक्षम होता है तभी तो दूसरे की समस्याओं का समाधान कर पा रहा है। ये इसके बेसिक अजम्पशन है कि इनके बिना जो है काउंसलिंग वो आपकी अधूरी रहेगी। प्रार्थी जो है वो समस्या समाधान में अक्षमता है, अगर आप अपने से समस्या का समाधान कर पाते तो आप काउंसलर के पास क्यों ही जाते। तो सीधा सा अर्थ है कि जो काउंसली है, आपको यहाँ क्या बताना है कि जो काउंसली है ये मतलब आप कह सकते हैं असक्षम है। ठीक है, इनकैपेबल है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और जो काउंसलर है वो क्या है, वो कैपेबल है, वो आपका क्या है, वो आपका सही से जो है अपना काम कर रहा है और इसके साथ ही वो आपका योग्य प्रशिक्षण अनुभवी है। परामर्श के उद्देश्य समस्या समाधान की अवस्था द्वारा निर्धारित होते हैं, जो इसके उद्देश्य हैं वो सबके लिए सेम नहीं होते हैं, जिस प्रकार की समस्या है उस प्रकार के उद्देश्य होते हैं और उसी प्रकार से आपका जो है परामर्श भी निर्धारित होता है, उसके जो है परामर्श के सेशंस जो हैं देखाए जाते हैं। क्लियर, यही जो अभी आपने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स, अगर उद्देश्य की बात करें तो क्या है, टू सॉल्व इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, फैमिली प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उनको क्या करना, प्रमोट करना, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रोवाइड काउंसलिंग एंड रेमेडी टू स्टूडेंट एंड टू प्रेडिक्ट प्रॉब्लम्स। जो अभी हमने ऊपर देखा, ऑब्जेक्टिव मतलब है उद्देश्य, कि परामर्श के क्या आपके उद्देश्य हैं, कौन से परामर्श के, डायरेक्टिव काउंसलिंग के। तो अगर डायरेक्टिव काउंसलिंग है तो उसमें किस प्रकार के बच्चे जाएंगे, जैसे अगर हम स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं या कॉलेज स्तर की बात कर रहे हैं, तो पहला तो बच्चे की जो है आपके व्यक्तिगत समस्या का हल करना, बच्चे की जो समस्या है उसको एक फ्रेंडली तरीके से सॉल्व करना, उसको समस्या समाधान के लिए सुझाव देना और उसको जो है रेमेडी करना, उसका उपचार भी करना, सिर्फ समस्या का हल बता के छोड़ नहीं देना, उसका उपचार भी करना है और आगे आने वाली समस्याओं से अवगत भी कराना कि देखो ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, बेसिक अजम्पशन जो अभी आपने हिंदी में देखा, देखिए वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, अजम्पशन ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग, काउंसलिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, कॉम्पिटेंसी इन गिविंग एडवाइस, उसमें सक्षमता होती है, तो देने वाला कौन होता है, काउंसलर, तो वही बात है कि वो सक्षम होता है। क्लाइंट, देखिए आपका काउंसली कहे, क्लाइंट कहे या फिर हिंदी में प्रार्थी कहे, सेवार्थी कहे, सब एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है, सबके एक ही नाम है। सो क्लाइंट इन कैपेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ये भी हमने देख लिया है। काउंसलिंग ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन, जैसी समस्या रहेगी उस हिसाब से उसके उद्देश्य बदलेंगे। ये है आपका स्टेप, स्टेप में देखिए वहाँ पर आपने देखा था स्टेप्स जो आपका था, एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, इसमें प्रोग्नोसिस नहीं था, ये नहीं था, बल्कि उसे ट्रीटमेंट या रेमेडी कर दिया था और लास्ट में इवैल्यूएशन या फॉलो अप कर दिया था। ठीक है, तो ये एक स्टेप आपका बीच में आप चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग, किसी में 5 किसी में 6 स्टेप एक आग बीच में लोग बढ़ा घटा देते हैं। ठीक है, तो ये वही है जो मैंने आपको बताया। एनालिसिस में क्या करेंगे, डाटा का कलेक्शन करेंगे अलग अलग सोर्सेज से, सिंथेसिस में क्या करेंगे, उसको समराइज़ करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे, डायग्नोसिस में उसको गैपिंग को खोजेंगे कि भाई कॉज क्या है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है, और प्रेग्नोसिस में क्या करेंगे कि बाद में ये डेवलपमेंट जो प्रॉब्लम है, ऐसा ना हो कि आज बच्चा एडजस्टमेंट की समस्या लेकर आया फिर उसको कुछ दिन बाद ये समस्या हो जाए, तो उसके ऊपर भी निदान करेंगे कि फ्यूचर में होने वाली अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी अभी सॉल्व कर दें, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे, फिर फॉलोअप होगा। ठीक है, ताकि अगर रीअकरेंस हो या कोई नई समस्या आए तो उसमें दोबारा से वो कैसे हेल्प लेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरिट और डीमेरिट की, किसके मेरिट और डीमेरिट की हम बात करें, निर्देशात्मक के। पहला तो ये टाइम सेविंग है और इकोनॉमिकल है, समस्या का समाधान देने में जो है ये काबिल होता है, इंस्टेंट आपको देगा, जिसकी वजह से क्लाइंट भी क्या हो जाएगा, एकदम खुश, लो हम तो यही चाहते थे, क्योंकि अपना दिमाग चलाना कोई नहीं चाहता।
मोर फोकस ऑन प्रॉब्लम एंड पर्सन, समस्या पर जो है ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है, व्यक्ति पर, लेकिन व्यक्ति की भावनाओं पर नहीं होता है। काउंसलर इसमें एक्टिव होता है, काउंसलिंग हमेशा जो है जब जब चाहेगा काउंसलिंग कि भाई हमको ज़रूरत है तब तब काउंसलर यहाँ पर अवेलेबल होता है। डिमेरिट क्या है, क्लाइंट इस पर बहुत अधिक आश्रित हो जाता है, क्लाइंट का पैसिव रोल होता है, क्लाइंट की एडजस्टमेंट इसमें अच्छी नहीं हो पाती है और सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है क्योंकि उसको भावनाएं अभिव्यक्त करने नहीं दी जाती हैं। क्लियर है? अब यहाँ आप हिंदी में भी उस चीज़ को देख सकते हैं, जितने लोग भी आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि सेम वही चीज़ अभी मैं ऐसे बता रही हूँ और उसमें कुछ दो चार पॉइंट इधर उधर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए, इसमें व्यक्ति सेवार्थी की समस्या पर अधिक ध्यान दिया जाता है और व्यक्ति या सेवार्थी की समस्या से ही पर जो आपका परामर्श है उसका केंद्र बिंदु होता है क्योंकि ये प्रॉब्लम सेंटर्ड है, बार बार कहा जा रहा है। सूचनाओं और आंकड़ों को एकत्रित करके प्रमापीकृत विधियों का प्रयोग किया जाता है, मतलब इससे जो है आंकड़े आपके स्टैंडर्डाइज तरीके से पूरे करता है। कौन? जो आपका काउंसलर होता है, स्टैंडर्डाइज मेथड का यूज़ करता है। हमने कल स्टैंडर्डाइज टेक्निक को देखा था, कौन कौन से थे आपके, ठीक, उनका यूज़ करता है, जैसे आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, इनका ज़्यादा ये यूज़ यहाँ पर होता है। ठीक, इसी कारण ये डाटा क्या होते हैं, रिलायबल होते हैं, विश्वसनीय और वैध भी होते हैं। प्राप्त आंकड़ों और सूचनाओं में वस्तुनिष्ठता होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है क्योंकि आपने उसको स्टैंडर्डाइज तरीके से प्राप्त किया तो बायसनेस का चांस कम होता है क्योंकि सभी चीज़ें पहले से ही निर्धारित हैं। इस परामर्श में परामर्शदाता सदैव सक्रिय रहता है, बिल्कुल सही बात है। समय की दृष्टि से परामर्श की यह प्रक्रिया उपयोगी है क्योंकि टाइम सेविंग है, मैंने पहले ही बताया। इस परामर्श में परामर्शदाता सेवार्थी की सहायता हेतु आवश्यकता अनुसार तुरंत उपलब्ध होता है, ये भी मैंने आपको बताया लास्ट पॉइंट में। परामर्शदाता व्यक्ति या सेवार्थी को आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। देखिए, जब भी काउंसलिंग होगी, किसी भी तरह की काउंसलिंग हो, इंटरव्यू उसमें ज़रूर होता है, बिना इंटरव्यू के ये चीज़ होगी ही नहीं, इंटरव्यू होना ही होना है क्योंकि जब तक आप सामने वाले देखेंगे नहीं कि भाई आपका गाइडेंस ऑफिसर कौन है, आपका काउंसलिंग जो है काउंसलर कौन है, तब तक आप कैसे अपनी बातों को अभिव्यक्त करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की काउंसलिंग हो। ठीक है, अगर इसके लिमिटेशन की बात करें तो सेवार्थी का स्थान जो है द्वितीयक या गौड़ है, उसकी भूमिका निष्क्रिय है। इसमें परामर्श प्राप्तकर्ता स्वतंत्र रूप से कभी भी कार्य नहीं कर सकता है, जो आपका काउंसली है वो कभी भी एक्टिव तरीके से अपने वर्क को नहीं कर सकता, अपने इमोशंस को नहीं यहाँ पर सामने रख सकता है। इस परामर्श में सेवार्थी परामर्शदाता पर अधिक निर्भर होता है और इसके कारण उसकी समायोजन की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम बताया मैंने, क्योंकि वो सब चीज़ के लिए डिपेंडेंट है, सोल्यूशन वही लाएंगे, इंटरप्रिटेशन वही करेंगे, एडवाइस वही देंगे, तो भाई आप क्या करेंगे, आप सिर्फ अपनी समस्या ले जा करके रख देंगे, तो आप यहाँ एकदम ही पैसिव हो जाते हैं और जिसके कारण आपको समायोजन में प्रॉब्लम आती है। आगे अगर वो समस्या कभी आएगी तब भी आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, फिर से आपको वापस इनके पास आना पड़ेगा। तो अंतर्दृष्टि जो सूझ है उसका विकास नहीं हो पाता है। इसमें सेवार्थी सदैव अपनी समस्या के समाधान के लिए परामर्शदाता की ओर ही देखता है कि भाई मुझे ये समस्या आ गई, फिर से तुम कर दो, ठीक। और ये स्वयं की अभिव्यक्ति करने का भी इसमें अवसर नहीं मिल पाता है। अगर उनके मन में कोई हिचकिचाहट है, संदेह है, तो वो बने की बनी ही रहती है और इसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं होती है, जिसके कारण व्यक्तिगत सूचनाएँ जो हैं वो सही तरीके से बाहर नहीं आ पाती हैं क्योंकि ये काउंसलर के अपने डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, काउंसलर डायरेक्टेड है। अब हम बात करेंगे अनिर्देशात्मक परामर्श की, जिसको हम कहते हैं नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। तो आपका नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की जब हम बात करते हैं तो इसके भी कई नाम हैं। सबसे पहले प्रार्थी केंद्रित परामर्श, क्योंकि अभी आपने जो देखा वो काउंसलर सेंटर्ड था, अब ये काउंसली सेंटर्ड होता है। तो अगर नॉन डायरेक्टिव है तो तुरंत आपको सबसे पहला नाम क्या याद रखना है कि ये आपका क्लाइंट सेंटर्ड होगा, प्रार्थी केंद्रित काउंसलिंग होगा, ठीक है। इसको प्रार्थी भी कहेंगे, सेवार्थी एक ही बात है, बता दिया है मैंने। प्रार्थी केंद्रित परामर्श या सेवार्थी परामर्श कहेंगे या अनुमत परामर्श। अनुमत परामर्श क्यों है, क्योंकि इसमें जो काउंसलिंग है, जो आपका परामर्श प्राप्त करता है उसकी अनुमति पूछी जाती है, ठीक है। उसकी अनुमति मतलब जिस प्रकार से वो चाहेगा उस अनुसार होगा, या निर्देशीय परामर्श की जिस हिसाब से वो निर्देश देगा। तो इसके अलग अलग नाम है, ये नामों को याद रखेंगे। निर्देशात्मक परामर्श के विपरीत यह परामर्श प्रार्थी केंद्रित या सेवार्थी केंद्रित होता है। इसमें केंद्र बिंदु में कौन है, आपका सेवार्थी है। अनिर्देशात्मक परामर्श के मुख्य प्रवर्तक कौन है, कार्ल आर रोजर। इनको हम मानवतावादी सिद्धांत के कारण भी जानते हैं, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। इन्होंने इसका उपयोग शैक्षिक, व्यावसायिक, वैवाहिक जैसी अनेक समस्याओं के लिए किया है। किसका, नॉन डायरेक्टिव का, कि सामने वाले से पूछ करके जैसा वो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर के चलना, ठीक।
इनका यह विश्वास है, या फिर कह लीजिए इस परामर्श का यह विश्वास है कि व्यक्ति के भीतर उसकी स्वयं की समस्या समाधान हेतु पर्याप्त साधन और क्षमता उपस्थित होती है। ये इस आप कह सकते हैं नॉन डायरेक्टिव या अनिर्देशात्मक परामर्श का मतलब मूल भी है कि क्यों ये क्लाइंट सेंटर्ड रखते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जीवन में उसके होने वाली हर समस्या समाधान का उसके अंदर ही हल होता है। सिर्फ फ़र्क कितना है कि उसको अभी पता नहीं है, उसको वो तरीका नहीं पता है। तो कार्ल रोजर ने अनिर्देशात्मक परामर्श के प्रमुख तीन तत्वों को स्वीकारा है। कितने तत्वों को स्वीकारा है? तीन तत्वों को, तीन एलिमेंट्स को। कौन कौन से हैं? सबसे पहला, सेवार्थी प्रार्थी या परामर्श प्राप्तकर्ता केंद्रित संबंध, कि जो संबंध हो वो किसके साथ ज़्यादा हो? आपके काउंसलिंग के साथ। भावना संवेग आदि को महत्व और उनकी अभिव्यक्ति में स्वतंत्रता, कि जो आपका इमोशन है, जो आपका फीलिंग है, उन सबको क्या देना? इम्पोर्टेंस देना और उनको एक्सप्रेस करने के लिए खुला छूट देना कि आपको जो मन कर रहा है आप वो बोलिए जैसे आपको मन कर रहा है। तीसरा, उचित वातावरण, कि उनको एक वातावरण भी अच्छा, अगर घर जैसा ही वातावरण मिलेगा, अगर मान लीजिए घर पे किसी के लड़ाई झगड़ा ही सारा है, तो वैसे ही उसको अगर वहाँ भी वातावरण मिले तो क्या फ़ायदा, फिर वो घर पे ही रह ले। तो मतलब वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अक्सर जब ऐसे सेशंस को लिया जाता है, बहुत ही काम वातावरण होता है, बहुत ही शांत, ताकि आदमी को वहाँ पर थोड़ा सुकून महसूस हो सके। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों को कार्ल रोजर ने जो है माना है, वो कौन कौन से आपको जानना है। पहला तो जो का संबंध है वो किसके साथ फोकस्ड रहेगा, क्लाइंट फोकस्ड रिलेशन होना चाहिए सबसे पहली चीज़। दूसरा कि इमोशंस और इन सबको, इम्पोर्टेंस टू इमोशंस एंड आपके जो है फीलिंग्स, और इसके साथ ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए एंड प्रॉपर इन्वायरमेंट यहाँ पर आपके साथ होना चाहिए। लेट्स सी द नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, क्लाइंट सेंटर्ड, इसको परमिसिव काउंसलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइंट सेंटर्ड या परमिसिव काउंसलिंग। कार्ल आर रोजर है, मैंने बता दिया है, इन्होंने तीन तथ्यों को जो अभी मैंने बताया, जो उन्होंने स्वीकारा है, वही सारी चीज़ें हैं। पहला, क्लाइंट सेंटर्ड रिलेशन हो, इम्पोर्टेंस फीलिंग का दिया जाए, और फ्रीडम टू एक्सप्रेस देम एंड परमिसिव एटमॉस्फेयर, बिल्कुल उचित वातावरण, प्रॉपर वातावरण रखा जाए। अब अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, तो जो अभी आपने समझा, जैसे आप निर्देशात्मक को देख लिए, इसका देखिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर आप एक समझ गए तो आप बाकी दोनों को ईजिली कर ले जाएंगे, क्योंकि नॉन डायरेक्टिव तो गाइडेंस का ठीक डायरेक्टिव का ठीक उल्टा है, और इक्लेक्टिव वाले में दोनों को आपको मिक्स कर देना है। तो सिर्फ एक अगर आप समझ ले रहे हैं अच्छे से, तो दूसरा तीसरा बस आपको एक बार देखना है, उसके बाद आप कर लेंगे। क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग है, अभी आपने देख ही लिया, क्योंकि इसमें लोग, जो व्यक्ति है जिसका काउंसलिंग करना है, उसके ही विचारों के अनुसार ये काउंसलिंग प्रक्रिया चलती है। बेस्ड ऑन पर्सन, दैट पर्सन हैज़ द कैपेसिटी एंड ड्राइव दैट ही कैन ग्रो एंड डेवलप। तो यही उसकी जो मान्यता है, वो मान्यता बहुत महत्वपूर्ण है उसकी, कि हर व्यक्ति के अंदर अपनी क्षमता होती है, उतनी शक्ति होती है कि वो अपनी समस्या का समाधान कर सके। थॉट ऑफ काउंसलर, यहाँ जो काउंसलर है उसका थॉट पैसिव हो जाता है, ठीक उल्टा हो गया। रिड्यूस साइकोलॉजिकल टेंशन, इसकी वजह से मनोवैज्ञानिक तनाव कम होता है। कैसे कम होता है? कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ ये नहीं चाहते हैं कि सामने वाला हमको उस चीज़ के बारे में सल्यूशन दे, ये सब करे। कई बार हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारे मन के अंदर के जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो आपके बिल्कुल रिप्रेस्ड हैं या फिर सप्रेस्ड हैं, उनको बाहर निकालना, उनको किसी के साथ शेयर करना। तो जब हम ऐसा करते हैं कि हम जा रहे हैं काउंसलर के साथ, क्योंकि हमको पता है काउंसलर क्या है, हम अगर बाहर आज के समय में अगर जो टेंशन क्रिएट है वो किस वजह से, क्योंकि हम अपनी बातों को किसी के साथ शेयर करने से डरते हैं कि सामने वाला फिर बाद में जो है मुझे चिढ़ाएगा, मिसयूज़ कर सकता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो टेंशन लगातार बढ़ा है। तो इस केस में काउंसलर के साथ जब आप जाते हैं तो आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा होता है, और आपको ये विश्वास दिलाया जाता है पूरी तरीके से कि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी गोपनीय होगी। तो ऐसा जब आदमी खुद करता है तो उसकी साइकोलॉजिकल टेंशन कम होती है। इन दिस डिफेंसिवनेस फॉल डाउन, जो आपका डिफेंसिव बिहेवियर होता है, जो कह लीजिए आपकी, मतलब आप अपने आप को मतलब सही दिखाने के लिए कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं, वो भी यहाँ पर कम होता है। जैसे कुछ लोग हैं झूठ बोलेंगे, उसके बाद भी आप देखेंगे ऊपर से जो है कहेंगे कि नहीं, लगेगा कि एकदम सच बोल रहे हैं। तो ये डिफेंसिव तरीके का जो बिहेवियर है कि अपने आप को ही बेवकूफ़ बनाना, वो चीज़ भी यहाँ कम होती है। किसमें? आपके नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में। ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे उस पर उसकी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसलर पर थी, तो इनकी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट पर रहेगी। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव यही होगा कि बच्चे का पूरा विकास किया जाए, उसकी समस्या में समाधान किया जाए, उसको नॉलेज, इंटरेस्ट, स्किल डेवलप किया जाए, ठीक यही सारा है। देखिए,
काउंसिल इंडिविजुअल ऑन देयर एजुकेशनल प्रोफेशनल मैरिटल प्रॉब्लम्स, जो भी स्कोप है आपका वो सभी में, वैवाहिक में, शैक्षिक में और उनके प्रोफेशनल लाइफ में, इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोवाइड करना ताकि वो किसी भी समस्या के लिए अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, मोटिवेट स्टूडेंट इन डिसीजन मेकिंग, बच्चों को डिसीजन मेकिंग के लिए मोटिवेट करना, प्रोवाइड नॉलेज अबाउट देयर इंटरेस्ट एंड फीलिंग, ये आपको करना। स्टेप्स की बात करें तो देखिए, सबसे पहला क्या है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, या फिर आप कह लीजिए प्रॉब्लम, समस्या क्या है उसको समझना, उसको डिफाइन करना, उसको लिमिटेशन करना, उसका मतलब परिसीमन करना। फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, अब आपने समझ लिया कि समस्या है क्या। कई बार आप देखेंगे कि जो बातें होती हैं वो आदमी को खुद भी पता नहीं होती हैं, मतलब पता नहीं होने का सेंस ये है कि कई बार होता ये है कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं बट जस्ट क्या है, समस्या कहाँ से है, वो काफ़ी बाद में पता लगता है। तो डिफाइन करना, फिर उसको एक्सप्रेस करने देना कि ठीक है आप बोलिए, फिर उनके अंदर इनसाइट का डेवलपमेंट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको सूझ का यहाँ पर क्या करते हैं, जो आपके काउंसलर होते हैं वो आपके ऊपर थोपते नहीं कि नहीं एडवाइस है, देखो मैंने खोज लिया तुम इसको कर लो, डायरेक्टिव की तरफ वो आपको रास्ता बताएंगे और आपके अंदर सूझ डेवलप करने की कोशिश करते हैं। वो टेंडेंसी जो आपके अंदर पहले से, जो रोजर का मानना है कि पहले से आपके अंदर है, उस टेंडेंसी को बाहर निकालने का काम करते हैं कि इसका अच्छा ये सोल्यूशन हो सकता है, तो आप खुद से ही बताएंगे इस प्रकार से। जब इनसाइट आ जाएगी तो यहाँ पर वो पॉजिटिव और निगेटिव फीलिंग में अलग अलग करेंगे कि अच्छा ये आपकी सही बातें हैं, ये गलत हैं, इनको जो निगेटिव होगा उसको यहाँ से वो क्या करेंगे, बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। फिर टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग सिचुएशन, अब एक वक्त ऐसा है कि दोनों को लगेगा नहीं मेरी समस्या समाधान हो गया है, तो टर्मिनेशन कोई भी कर सकता है, काउंसलर चाहे तो काउंसलर भी कर सकता है, काउंसली चाहे तो काउंसली भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 5 स्टेप्स हैं, सबसे पहला कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, दूसरा कि आपको एक्सप्रेस करने देना है, तीसरा इनसाइट है, चौथा पॉजिटिव और निगेटिव फीलिंग, और पांचवा टर्मिनेशन। बेसिक अजम्पशन की बात करें तो रिस्पेक्ट फॉर द इंटेग्रिटी एंड द पर्सनल ऑटोनॉमी ऑफ क्लाइंट। अगर बेसिक अजम्पशन, मूलभूत अवधारणाओं की बात करें तो ये क्या है कि जो आपका इंटेग्रिटी है उसकी जो है क्या करना, रिस्पेक्ट करना, और जो व्यक्ति का जो क्लाइंट है उसकी जो गोपनीयता है, जो उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो हमारे साथ शेयर कर रहा है उसको मेंटेन करना, ठीक है। कंसर्न विद टोटल पर्सनालिटी ऑफ क्लाइंट, और इसके साथ ही व्यक्ति की पूरी जो पर्सनालिटी है उसके साथ कंसर्न होना। टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हों, और ये आपके नॉन डायरेक्टिव का बेसिक अजम्पशन भी है। कई बार होता है कि क्लाइंट अपने मन का बोलेगा, जरूरी थोड़े कि काउंसलर को वो चीज़ पसंद ही आए, काउंसलर को वो चीज़ पसंद ही आए, या फिर बहुत बार ऐसे व्यूज़ देगा जो काउंसलर के व्यूज़ के अपोज में हो। हो सकता है काउंसलर ऐसे मतों से ना रखता हो कि नहीं ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी उनको उस हिसाब पर भी, उस लेवल पर भी टॉलरेशन रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, एक्सेप्टेंस करना होगा। इनेबल क्लाइंट टू डेवलप हिज इन अवेयरनेस एंड पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट को आप इनेबल कराने की कोशिश करते हो, रेदर देन गिविंग हिम अ सॉल्यूशन, आप क्या काम कर रहे हो उनको अवेयरनेस क्रिएट करने का काम आप कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर मेरिट एंड डीमेरिट। मेरिट में जो सबसे पहली मेरिट है वो आपकी क्या है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, जो व्यक्ति है उसको फ्रीडम देता है। रिलीफ टेंशन ड्यू टू कैथारसिस, कैथारसिस का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं कि ना अगर बहुत ज़्यादा मन में जो है आपके कोई चीज़ बैठी हुई है या कोई दुख है तो अगर आप रो लेते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। कैथारसिस इज जस्ट लाइक दैट, कि जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके बिल्कुल अंदर हैं, वो अंदर की बातों का बाहर आना, ठीक, ये कैथारसिस है। जैसे आप कभी कभी मूवी देखते हैं तो मूवी देखते टाइम कुछ लोग रोने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको जो फील होता है वो कैथारसिस के कारण होता है। सामने होने वाले हीरो हीरोइन या विलेन जिसके साथ भी, जो जिस हिसाब से भी देखता हो उसको, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो आपको लगता है कि अरे कैसे गलत हो रहा है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, या अगर कोई उसमें एक्सपायर हो गया, मर गया, तो कभी कभी क्या होता है कि उनके साथ साथ हमें भी बहुत बुरा लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। सो दैट वो जो फीलिंग आती है, जो कनेक्शनिज्म आपका बिल्ड होता है, वो कैथारसिस होता है। मूव टूवर्ड एक्सेप्टेंस ऑफ हिमसेल्फ, इसके साथ ये ऐसी टेक्निक है जिसमें व्यक्ति को क्या होता है, बहुत उसके अंदर जो कमियां हैं, जो निगेटिव, वो पॉजिटिव और निगेटिव फीलिंग था ना अलग अलग करा, तो जो निगेटिव फीलिंग है वो आपके अंदर की ही फीलिंग है, तो उसको भी एक्सेप्ट करना ये मेरिट मेथड सिखा रहा है। कन्फ्रंट वीकनेस, आपकी जो कमज़ोरी है उसको बता रहा है। डीमेरिट क्या है भाई, कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, जबकि डायरेक्टिव क्या टाइम कंज्यूमिंग था, नहीं वो उतना नहीं था। विजडम एंड जजमेंट ऑफ क्लाइंट कैन बी रिलाइड
नॉट, मतलब हर बार अगर आप कहें कि आप क्लाइंट ने कहा कि भाई हमको ऐसा ऐसा लग रहा है तो हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। क्योंकि काउंसलर भी कभी कभी जो चीज़ें बताता है ज़रूरी नहीं कि वो 100% एकदम सही होती हैं, बट चूंकि उसने उस चीज़ की स्टडी करी होती है, इतना एक्सपीरियंस है, ट्रेंड है, तब ऐसा होता है। बट क्लाइंट के केस में आप ये कैसे कह सकते हो कि क्लाइंट ने बताया और वो चीज़ उसके साथ सही हो जाएगी? और सभी तरह की समस्याओं को आप इससे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन शैक्षिक निहितार्थ भी पूछता है। डायरेक्टिव वाले का जो शैक्षिक निहितार्थ है उसको हमने शॉर्ट में कवर करा था, इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखा है, वो पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका बेसिक आपका एजुकेशनल शैक्षिक निहितार्थ, शैक्षिक निहितार्थ का सीधा सा अर्थ होता है कि शिक्षा में होने वाला जो उसका प्रयोग है। तो देखिए, डायरेक्टिव है तो आपका क्या हो जाएगा कि ये जो है समस्या केंद्रित है, तो समस्या समाधान पर बल देगा। बच्चों को भी अगर कोई समस्या तो उसका तुरंत निवारण कर देगा, कम समय है तो उनका पाठ्यचर्या में काफ़ी योगदान देगा, इस प्रकार से। नॉन डायरेक्टिव है तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या है, ये 5 रिस्पॉन्स बेसिक माने गए हैं, रिफ्लेक्शन, रिस्पॉन्स, क्लैरिफिकेशन, समराइजेशन, क्वेश्चनिंग। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि बच्चे इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे इससे डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऐसे उनके ऊपर भी आता है कि सारी चीज़ें क्या है, सारा दायित्व उनके ऊपर है, सोचना उनको सब करना है, टीचर सिर्फ उनको गाइड करेगा। रिस्पॉन्स करने का जो काम है वो भी बच्चों का ही मैक्सिमम होना चाहिए, क्लासीफाई करने का, क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण, ये भी आपका जो है क्या है, नॉन डायरेक्टिव के अंतर्गत है। कि आप किसी चीज़ को, आप देखेंगे जब नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है तो उस समय पे जो आपका काउंसली होता है खुद की बातों को ही कहता है, फिर खुद एक्सप्लेनेशन भी देता है और खुद उसका सुझाव भी देता है, तो ये क्लैरिफिकेशन का काम है। समराइजेशन की बात करें तो ओवरऑल उस चीज़ को समराइज़ करना, फिर क्वेश्चनिंग करना कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ये इसके जो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के 5 बेसिक रिस्पॉन्स हैं। नेक्स्ट है आपका इक्लेक्टिक काउंसलिंग, जिसको समाहारक परामर्श या मिश्रित परामर्श कहते हैं। एलन बॉर्डिन और एफसी थॉर्न इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है, एलन बॉर्डिन और एफसी थॉर्न दोनों लोग। इसके कई नाम हैं, संग्रही परामर्श, समन्वित परामर्श, मध्यम वर्गीय परामर्श या मिश्रित परामर्श, ठीक है, संग्रही परामर्श, समन्वित परामर्श, मध्यम वर्गीय या मिश्रित परामर्श। मध्यम वर्गीय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच का है, मतलब इसमें काउंसलिंग के भी कुछ पोर्शन आएंगे और आपके डायरेक्टिव काउंसलिंग के भी और नॉन डायरेक्टिव के भी, ठीक है, इसीलिए इसको मध्यम वर्गीय भी कहा जा रहा है और इसी कारण इसको मिश्रित भी कहा जाता है, ठीक है, बीच का पाथ ये फॉलो करता है, ना ज़्यादा इधर ना ज़्यादा उधर। सिंथेसिस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ये तो आपको समझ में आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स की अब हम इसकी बात करते हैं, तो देखिए ये आपकी जो होती है ये फ्लेक्सिबल होती है, कैसी होती है, लचीली, मिक्स्ड फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्लस नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ये जो है आपका मिक्स्ड फॉर्म होता है किसका, डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव का। और फ्लेक्सिबल क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्लाइंट के इच्छा के अनुसार हम फेर बदल करते हैं। क्लाइंट कहेगा नहीं सर आप सर्वोच्च हैं, मुझसे नहीं होगा, आप ही करिए, तो आप करिए, फिर क्लाइंट बीच में कहेगा कि नहीं नहीं मेरी भी अपनी राय है, तो वो आपका बदल जाएगा। तो नीड जो है, ज़रूरत जो है, आवश्यकता जो है आपकी प्रार्थी की, सेवार्थी की, क्लाइंट का, काउंसलिंग का, वो ज़रूरी है। इसमें जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वो सब्जेक्टिव और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। जिन स्ट्रेटजीज़ का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है उसमें काउंसलर वो पैसिव होता है, सॉरी काउंसलर पैसिव होता है और क्लाइंट जो है एक्टिव है। देखिए इसमें भी अगर आप देखेंगे तो क्लाइंट को ज़्यादा एक्टिव माना जाता है इक्लेक्टिव अप्रोच में, क्योंकि पूछना इसी से, इनकी आवश्यकता के अनुसार अगर ये चाहते हैं। देखिए पहले वाले में क्या है कि उसमें क्लाइंट से पूछा नहीं जाता है और दूसरे वाले में क्लाइंट को ही सब कुछ करना है, लेकिन उसका क्या, अगर क्लाइंट चाहता है कि नहीं सर आप ही करिए, उसमें मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान हो, तब आप इक्लेक्टिव पे आएंगे कि थोड़ा सा आप डायरेक्टिव को फॉलो करिए, थोड़ा सा नॉन डायरेक्टिव को फॉलो करिए, ठीक। अल्पव्यय के सिद्धांत पर आधारित है, फीलिंग ऑफ कंफर्ट इसमें काफ़ी ज़रूरी है और फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एक्सप्रेशन आपको इक्लेक्टिव अप्रोच में दिया जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें जो है बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ काउंसलिंग के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि दोनों को संतुलित किए हुआ है। कंट्रोल इमोशनल फीलिंग ऑफ स्टूडेंट, इसकी वजह से जो संवेगात्मक इनकी जो भावना होती है उसको कंट्रोल करने का, क्योंकि ये दोनों तरीके से है, अगर वो ज़्यादा बोलेगा तो काउंसलर उसको रोक भी सकता है ना कि नहीं सर अब आप ऐसे डायरेक्शन आपका भटक रहा है, तो ये एक कंट्रोल प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, जैसा उनकी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाएगा। स्टेप की बात करें तो स्टेप डायग्नोसिस है, एनालिसिस है, पहले देखना, निदान, गैपिंग का, फिर एनालाइज करना, फिर एक टेंटेटिव प्लान हाइपोथेसिस फॉर्म करना, फिर इंटरव्यूइंग करना, और इंटरव्यू करने के बाद लास्ट में आपका आता है कि उस चीज़ को क्या करना, एक फॉर्मेट तैयार करना कि बाद में फ्यूचर में भी वो चीज़ ना हो, ठीक। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था बट वो आपका कट हो गया है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्लेक्टिक अप्रोच के मेरिट और डीमेरिट की, जो आपका समाहारक है, लचीली प्रक्रिया है, बार बार कहा जा रहा है कि ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये नीड जो है क्लाइंट के नीड को फोकस करती है, दोनों इसमें सक्रिय रहते हैं, दोनों मतलब कौन, एक काउंसलर और काउंसलर दोनों ही एक्टिव रहते हैं, बट ये टाइम टाइम की बात होती है, ठीक है, कभी काउंसलर एक्टिव है तो कभी आपका क्लाइंट एक्टिव है। सेवार्थी की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान दिया जाता है, सूचनाएं अधिक विश्वसनीय और वैध होती हैं, क्योंकि ये सूचनाएं अधिक विश्वसनीय और वैध क्यों होती हैं, क्योंकि ये सूचनाएं आपको किसके द्वारा मिल रही हैं, उसी काउंसलर के द्वारा जो अपने मर्जी से बता रहा है, और इसमें समय कम लगता है। डीमेरिट है कि अगर आप कह रहे हैं कि मिक्स्ड फॉर्म में हम दे रहे हैं तो इसको व्यवहारिक रूप देना एक कठिन कार्य होता है। रोल ऑफ काउंसलर क्या है कि मतलब कन्फर्म नहीं होता है कि कब वो सक्रिय रूप से काम कर रहा है, कब निष्क्रिय हो जा रहा है। इसमें स्वतंत्रता तो है क्लाइंट को, लेकिन वो नहीं पता कि किस लेवल तक की स्वतंत्रता है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव के बीच में डिफरेंस। डिफरेंस काफ़ी आसान है, अब तक आप डायरेक्टिव देख लिए, नॉन डायरेक्टिव देख लिए, एक्लेक्टिव देख लिए, उनका ऑब्जेक्टिव, स्टेप विथ मेरिट एंड डीमेरिट, कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी चीज़ें आपने देख ली। अब ये जो पॉइंट है आपका निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक में क्या होना, डिफरेंस का होना, ये आपके लॉन्ग में रिपीटेड टाइम पूछा गया है। अगर आप चाहें तो खुद से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप इतना पढ़ चुके हैं कि आप इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा भी मैं आपको यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स दे रही हूँ, जिसकी मदद से आप अगर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से लिख लें, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एनफ पॉइंट दे दूँगी कि आप आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहला जो हम पॉइंट बनाते हैं वो ये है कि ये आपका क्या है, काउंसलर सेंटर्ड और ये क्लाइंट सेंटर्ड, ये तो इसमें तो किसी को कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। प्रवर्तक का नाम दूसरे में डाल दीजिए कि आपका विलियमसन और रॉजर, ईजी विलियमसन और कार्ल आर रॉजर, ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग, अब तीसरे में इसके अलग अलग नाम क्या है उसको लिखिए। यहाँ पर प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग है, यहाँ पर परमिसिव काउंसलिंग है। प्रिस्क्राइब करते हैं ना काउंसलर, क्योंकि सारी चीज़ें वही कर रहा है, इंटरप्रेट वही कर रहा है, सब चीज़ वही कर रहा है, और ये आपका क्या है, परमिसिव काउंसलिंग कहलाता है। इसमें समय कम लगता है, इसमें समय ज़्यादा लगता है, ये चीज़ क्लियर हो रही है, समय कम लगेगा, इसमें समय ज़्यादा लगेगा। हेल्प फ्रॉम काउंसलर फॉर टेकिंग डिसीजन, ये पूरी तरीके से काउंसलर पर डिपेंडेंट होता है, यहाँ पर काउंसलिंग जो डायरेक्टिव में है कि वही डिसीजन दे, सब कुछ करे, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट को अपना खुद का डिसीजन लेना पड़ता है। इससे आपकी समस्या तुरंत समाधान हो जाती है डायरेक्टिव में, इसलिए क्लाइंट बहुत खुश रहता है कि बिना कुछ किए दिए मैं बस आया और मेरी समस्या समाधान हो गया। बट यहाँ पर सेल्फ एनालिसिस और पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उसको एनालिसिस करना पड़ता है खुद क्लाइंट को। इसमें समस्या पर फोकस किया जाता है कि समस्या क्या है, और इसमें व्यक्ति पर फोकस किया जाता है कि व्यक्ति की क्या इच्छा है, व्यक्ति की क्या संवेदना है, व्यक्ति की क्या सांवेगिक स्थिति है, लेकिन इस पर सिर्फ समस्या पर। काउंसलर इसमें काफ़ी एक्टिव होता है, इसमें काउंसलर पैसिव होता है, ठीक। इसी तरह आप एक और बता सकते हैं कि काउंसलिंग इसमें पैसिव होता है, उसमें एक्टिव होता है, ठीक। ये आपके इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्ट से जो है बनता है, मतलब ये है कि आपका जो काउंसलर है वो क्या करता है, सारी चीज़ों को देखता है और वो बुद्धि का प्रयोग करता है, उसको व्यक्ति से उतना मतलब नहीं होता, उसको समस्या केंद्रित है तो समस्या समाधान के लिए वर्क करता है, लेकिन इसमें सांवेगिक पर ज़्यादा बल दिया जाता है, मतलब कि प्रार्थी कैसे अच्छा महसूस कर रहा है, अगर वो आपको बता करके इंटरव्यू के माध्यम से अपनी चीज़ों को शेयर करके कर रहा है तो वैसे कर लें, जैसे वो अच्छा महसूस कर रहा है, सहज महसूस करेगा वैसे, ठीक। मेथोडोलॉजी इसमें डायरेक्ट होती है, क्योंकि काउंसलर जो है डायरेक्टली आता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट का प्रयोग करेगा और आपको बता देगा। यहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से आपके अंदर जो दबी हुई बातें हैं, आपके अंदर जो प्रॉब्लम है, जो जिस चीज़ का आपको समस्या का समाधान चाहिए, उसको डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तरीके से यूज़ करते हैं। कैसे इनडायरेक्टली तरीके से यूज़ करते हैं, तो काउंसलर क्या करता है, आपको ही प्रेरित करता है, एनकरेज करता है कि आप खुद ही अपनी समस्या का समाधान करिए, इस प्रकार के नियम लेकर के आता है, डायरेक्टली वो जो है काम नहीं करता है यहाँ पर, ठीक। इसके बाद देखिए 10 पॉइंट्स आपके हो गए। रैपर्ट फॉर्मेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट, अगर हम डायरेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सौहार्दपूर्ण आपके उद्देश्य होते हैं, या यूँ कह लें कि स्टार्टिंग में जो कार्डियल रिलेशंस होते हैं कि एक दूसरे के साथ मतलब अच्छे से रिलेशंस बातचीत करना, वो इसमें उतना मायने नहीं रखता है। हालांकि हर काउंसलिंग में होता है, लेकिन इसमें उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब आप नॉन डायरेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि जब तक आप सामने वाले को ये महसूस नहीं कराएंगे कि भाई आप यहाँ पर सुरक्षित हैं, या आप क्या वो काफ़ी अच्छा दोस्त नहीं है, तब तक वो आपके साथ अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करेगा।
इस पर एनालिसिस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे कोई समस्या आई, डॉक्टर या आपका काउंसलर देखेगा कि भाई किस किस क्षेत्र में क्या क्या समस्या है। जबकि यहाँ पर सिंथेसिस कि जब व्यक्ति अपनी खुद की समस्या को बता रहा होता है तो काउंसलर उसको इवेलुएट करता है, एक तरफ जोड़ता है सारी चीज़ों को कि ये सारी चीज़ें हैं, अब इसको ऐसे हम जोड़ेंगे, फिर उसके बाद उसको थोड़ा हिंट करता है, तो गाइड करता है, तो जो आपका काउंसलिंग होता है वो उसका जो है समस्या का समाधान सोच पाता है। ये थोड़ा अथॉरिटेटिव नेचर का हो जाता है, प्रभुत्वपूर्ण हो जाता है इसमें काउंसलर, क्योंकि वो अपने अनुसार ही चीज़ों को चलाना चाहता है। और यहाँ पे मैत्रीपूर्ण आपका जो है वो होता है काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में रिलेशन। नो अटेंशन ऑन इनसाइट, अगर सूझ की बात करें तो जो क्लाइंट है, जो सेवार्थी, जो प्रार्थी है, उसकी सूझ पर कोई ध्यान नहीं जाता कि उसकी सूझ विकसित हो रही है कि नहीं, उसके अंदर प्रॉब्लम कैपेसिटी की टेंडेंसी विकसित हो रही है कि नहीं। लेकिन नॉन डायरेक्टिव में इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है क्योंकि समस्या का समाधान आपको ही निकालना है। ठीक, मान्यता की बात कर लें तो मान्यता क्या है कि व्यक्ति के क्षमताओं की सीमा है, सभी समस्या हल करने में सक्षम नहीं है। अगर आप डायरेक्टिव में देखेंगे तो ऐसा मानना होता है डायरेक्टिव के जो काउंसलर हैं कि भाई आप अगर समस्या समाधान, उसके आपने बेसिक अजम्पशन में भी देखा था ना जो आपका डायरेक्टिव का था, उसमें क्या लिखा था, दो पॉइंट कि एक तो जो आपका काउंसलर है वो सक्षम व्यक्ति है जो समस्या समाधान कर सकता है, और जो प्रार्थी है वो समस्या समाधान करने में असक्षम है। तो यही तो उनकी मान्यता है ना, वही तो हम लोग पढ़े ना बेसिक अजम्पशन, जो आपकी मूलभूत धारणाएं या मान्यताएं हैं, यही तो है कि प्रार्थी अपनी समस्या का समाधान करने में असक्षम है, इसी कारण से वो आया है। लेकिन इसका ठीक विपरीत किसका है, आपका नॉन डायरेक्टिव का, कि समस्या हल करने की क्षमता और शक्ति जो है व्यक्ति में निहित होती है, सिर्फ उसको फील करने की जरूरत है। ठीक, परामर्शदाता पर अधिक निर्भरता कहाँ होती है, आपकी डायरेक्टिव में होती है परामर्शदाता पर अधिक निर्भरता। और अगर हम नॉन डायरेक्टिव की बात करें तो इसमें निर्भरता नहीं रहती है। काउंसलिंग अधिक बातचीत नहीं कर पाता है, वहाँ उसको उतना अलाउ नहीं होता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, बातचीत करे डायरेक्टिव में, जबकि इसका ठीक अपोजिट नॉन डायरेक्टिव में होता है। एक समस्या के बाद यदि दूसरी समस्या आती है तो भी उसको दोबारा से काउंसलर के पास आना पड़ता है कि मेरी तो फिर से समस्या आ गई। लेकिन जब आप नॉन डायरेक्टिव में देखते हैं तो यहाँ उनके अंदर वो टेंडेंसी डेवलप की जाती है कि आप खुद से अपनी समस्या का समाधान ढूंढिए। तो जब यहाँ एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम आ गई तो व्यक्ति खुद से पहले कोशिश करता है एकदम अच्छे से कि वो उसको सॉल्व करे, और चूँकि पहले उसने अपना ही दिमाग खर्च किया, खुद को ही एक्टिव रखा, तो वो कर ले गया। यही चीज़ आपकी सेम एज इट इज़ एजुकेशन या किसी भी फील्ड में आप देखेंगे होगा। अगर आप किसी दूसरे पर आश्रित होकर के अपने काम को करेंगे तो आप हमेशा क्या रहेंगे, एक डिसेबल्ड बच्चे की तरह, कि भाई आपको हमेशा दूसरे के लिए क्या करना है, बोझ बन के रहना है। ठीक, लेकिन आजकल तो डिसेबल्ड बच्चे भी अपने हिसाब से पढ़ लिख के कर ले रहे हैं, एक प्रकार से जो आश्रित होता है आपकी स्थिति उसकी होगी। और जब आप आगे जाएंगे थोड़े और जो है ब्रॉड आपका जब डेवलपमेंट होगा, स्कोप बढ़ेगा, तो उस केस में फिर आप अपने से कार्य नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ आप बैकवर्ड में चले जाएंगे, पिछड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आदमी को अपने काम को खुद से करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार खुद से करने की इनसाइट डेवलप हो गई तो धीरे धीरे वो आपकी टेंडेंसी होगी और वो आपकी हैबिट में कब फॉर्म हो जाएगी वो आपको खुद पर खुद पता नहीं लगेगा। फिर आपको अपने कार्य के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होने की कभी जरूरत नहीं होगी। व्यक्ति के इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। अगर जो डायरेक्टिव है, चूंकि काउंसलर को जानने के लिए उसके पूरे इतिहास को जानना पड़ता है, लेकिन यहां पर इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि काउंसलिंग जो है खुद पर खुद अपने से अपनी बातों को एक्सप्रेस करता है, समस्या को बताता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, सो यहां पर मैंने आपको 19 पॉइंट्स टोटल बता दिए हैं जो आपका गाइडेंस और काउंसलिंग से संबंधित था, सॉरी, जो आपका डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के बीच में डिफरेंस को क्रिएट करता है। गाइडेंस और काउंसलिंग का डिफरेंस हमने शॉर्ट आंसर में कवर किया है, उसमें है। ठीक, तो यहाँ पे आपको इनफ पॉइंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसमें काफ़ी पॉइंट इसमें इंक्लूड किया है ताकि आप इजिली जो है आंसर को अपने राइट कर सकें। इसके साथ ही इसमें दो पार्ट रहेगा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और इसके साथ जो आपको यहाँ पर आज मैंने बताया है, चाहे वो आपका इक्लेक्टिव अप्रोच भी पूछा है लॉन्ग में, इसके साथ ही आपका डायरेक्टिव और जो है आपका नॉन डायरेक्टिव, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा, और इसके साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, और इसके साथ वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, जय हिंद।